ना छूने दूंगी, छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया।
नीचे तो नहीं आ गया? लोग कैरेक्टर पे सवाल करेंगे, ज्यादा हंस तो नहीं रही? लोग गलत मतलब निकालेंगे, ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रही? लोग औरतों की बस की बात नहीं है ये कह के प्रमोशन रुकवा देंगे? काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं हाय कितना काम करना पड़ता है बेचारे को। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है? इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। ब्रा का स्ट्रैप तो नहीं दिख रहा? वो जो सबसे घूर रहा है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा? सर भीड़ में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहाँ चाहे छू सकता है, क्योंकि जब औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना, तब सर तब हम औरत मर्द की बराबरी की बात करेंगे। इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसमें अपनी एनर्जी बर्बाद न करके औरतें क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता रहे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना वो ही बहुत है। अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। आज से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी।